हेलो भाई, वेलकम बैक एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप PFMS में एक PD यूजर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको PFMS में लॉगिन करना होगा। बट PFMS में लॉगिन करते वक्त ये बात जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि आपको DDO की यूजर ID से लॉगिन करना होगा। फर्स्ट यहाँ पे आप DDO यूजर ID से लॉगिन कर ले। लॉगिन होने के बाद PFMS का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों, आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे जो पैनल देख रहे हैं उसमें आपको यूजर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है मिनिस्ट्री यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे। उस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे यूजर्स के डिटेल आपको फिल करने होंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ यूजर्स में आप प्रोग्राम डिविजन सेलेक्ट कर ले। डिटेल फिल करते वक्त ये बात जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे जो ईमेल आईडी जो आप एंटर करेंगे दोस्तों, वो गवर्नमेंट मेल ID होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। इस प्रोसेस के बीच में उस पर एक OTP भी सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल को केयरफुली फिल कर ले। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लॉगिन आईडी, ये सारी डिटेल्स को आपको केयरफुली फिल कर लेना है। और फिर सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आपको एंटर करना है, वर्ड वेरिफिकेशन, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं रेड कलर में यहाँ पे टेक्स्ट आया, यूजर्स हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली एंड एक्टिवेशन ईमेल सेंड टू इंटर ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे यूजर का डिटेल जो है वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली, और एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पे सेंड किया जा चुका है। जो भी आपने यहाँ पे ईमेल एंटर किया दोस्तों, अब उसे आपको लॉगिन कर लेना है। उसे लॉगिन करने के लिए आपको email.gov.in साइट ओपन करना होगा और यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप साइन इन कर ले। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, अब ये गवर्नमेंट मेल आईडी विदाउट कवच ऑथेंटिकेशन के आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने कवच इंस्टॉल नहीं किया तो उसे कैसे इंस्टॉल करना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर कार्ड से भी आप देख सकते हैं। लॉग इन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक मेल आएगा, मिनिस्ट्री यूजर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन लिंक। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ से आपके ईमेल पे एक OTP रिसीव होगा। अब जैसे ही वो OTP रिसीव होगा, नेक्स्ट टैब में ओपन रख सकते हैं। वहां से OTP को कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, और सिर्फ वन टाइम आपको सेव पे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर एडिटेड सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। अब वापस से PFMS में आना है और आपको यूजर्स पे क्लिक करना है और मिनिस्ट्री यूजर्स लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यूजर्स टाइप में प्रोग्राम डिवीजन सेलेक्ट करके सर्च कर लेना है। जितने भी PD अकाउंट्स क्रिएट होंगे यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो अभी आपने बनाया है दोस्तों मेकर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करते ही सारे डिटेल्स आ जाएंगे। लॉगिन नेम पे आपको क्लिक कर लेना है, देन और यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अगेन ओके पे क्लिक करके इसे अप्रूव कर देना है। और फाइनली आपका जो PD यूजर है यानी कि मेकर, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप PD यूजर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप न्यू हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।